नारायण 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 नारायण, थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए। नारायण 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 नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी आपका। नारायण नारायण नारायण। आदरणीय प्यारी बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें, और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। नारायण नारायण नारायण। नारायण को हाजिर मानकर माँ सरस्वती का ध्यान कर आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद स्वरूप चंद पंक्तियाँ समर्पित हैं जिन्होंने आज मुझे अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए ये स्टेज दिया है, उनके लिए कि दामन में आपके खुशियाँ हो। गीतिका जी नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं और नारायण से हमारा विशेष टाइप है, दामन में आपके खुशियाँ हो और चेहरे पर मुस्कान। दामन में आपके खुशियाँ हो और चेहरे पर मुस्कान, दिल से जो चाहा आपने आपका पूरा हो वो हर अरमान, आपका पूरा हो वो हर अरमान, आपका पूरा हो वो हर अरमान। नारायण 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 नारायण। अब विशेष भूमिका न बांधते हुए सीधे अपनी बात पर और आज के विषय पर। हमारा गोरेगांव में सेंटर चलता है जहाँ पर तन मन संबंधों पर जिनकी जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। अक्सर जो महिलाएं 30-35 साल के जो ऊपर की हैं, जब वो मिलने के लिए आती है, हमने देखा कि 95% उनकी कॉमन समस्या रहती है, जो 30-35-40 के ऊपर की जो महिलाएं उनकी, और यहाँ भी मैं देख रही हूँ वही एज ग्रुप है, 30+ का सारा ग्रुप है। अब सोच लो आप मुझे 30+ लग रहे हो, सोच लीजिए। कितने मेंटेन हो आप लोग, वेरी नाइस। यस हाँ, देखो हमारी बोली बोलना आ गया, देखो जरा सा। तो जब हमने कहा 35-40+ जो महिलाएं आती हैं उनकी कॉमन समस्या होती है कि ईश्वर का दिया घर में सब कुछ है, बहुतायत से है, इतना है कि खाएंगे तो पूरा नहीं पड़ेगा, पर घर में शांति नहीं है। न तो घर में शांति है न मन में शांति है। ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि घर में शांति हो मन में शांति हो। उनका कहना ये होता है कि इंसान चटनी रोटी खाकर भी रह सकता है, पर मन में सुकून चाहिए, शांति चाहिए। प्राथमिकता किसकी है? शांति की है। न घर में शांति है न भीतर शांति है, ऐसा कोई इलाज बताइए कि घर में शांति हो मन में शांति हो। तो पहली बात तो ये कि हमें देखना होगा कि घर बड़ा है या हमारा मन बड़ा है। घर आप माप सकते हैं, 1000 स्क्वायर फिट,
2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट मापी जा सकने वाली वस्तु है। मन नहीं माप सकते। हम अक्सर कहते हैं ना कि इसका मन बहुत बड़ा है, प्रमिला जी के मन बहुत बड़ा है, पर पलट के कभी नहीं पूछा कितना बड़ा है, क्योंकि पता है माप नहीं सकते उसको। एक क्षण में यहां से विदेश पहुंच सकता है, इतनी सामर्थ्य है उसकी। तो जो दोनों में बड़ा है उसकी शांति को प्राथमिकता देना चाहेंगे। मन बड़ा है, यदि उसके भीतर शांति आ गई तो घर के लिए हमें अतिरिक्त एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, इसकी शांति घर की शांति में समा जाएगी। मन में शांति कैसे हो, इस बाबत अध्यात्म गुरु दादा जेपी वासवानी कहते हैं कि हम अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, निराश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें बांध रखी हैं। जब हमारी वो इच्छाएं, वो उम्मीदें दूसरों से पूरी नहीं हो पाती या सामने वाला पूरी नहीं कर पाता, हम अपसेट हो जाते हैं, निराश रहते हैं। दादा कहते हैं, दादा कौन? अध्यात्म गुरु जेपी वासवानी, कि यदि आप इस तरह का जीवन जीते हैं कि आप एक ड्रामा में काम कर रहे हैं और आपको एक रोल करने के लिए, रोल अदा करने के लिए दिया गया है, वो रोल अदा कर रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना, आपको एक रोल अदा करने के लिए दिया गया है, बस आपको स्टेज पर आना है, अपना पार्ट अदा करना है और चले जाना है। यदि आप इस तरह का जीवन जीते हैं तो ऐसे में आप निराश अपसेट नहीं होंगे, आपके मन की शांति असंतुलित नहीं होगी। अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए दादा कहते हैं कि समझो, आपने एक ड्रामा में पार्ट लिया है, एक नाटक में आपने एक रोल करने का आपको चुना गया है, आप स्टेज पर खड़े हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। साथी कलाकार आता है स्टेज पर अपना रोल अदा करने के लिए, आता है, आप पर चीखता है, चिल्लाता है, आपके गलत शब्दों का उच्चारण करता है, तो ऐसे में आप डिस्टर्ब होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह पता होता है कि वो अपना रोल निभा रहा है, वो अपना रोल निभा रहा है और मुझे भी अपना रोल सही तरीके से निभाना है, क्योंकि मुझे इस नाटक को सफल करना है और खुद को बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना है। हम अपसेट निराश नहीं होते। आगे कहते हैं दादा जेपी वासवानी कि जब मैं छोटा था, मैं एक्टिंग करने में माहिर था। एक बार हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, चूंकि मैं एक्टिंग करने में माहिर था इसलिए बाकी बच्चों को सिर्फ एक ड्रामा में काम करने का मौका मिला और मुझे दो दो ड्रामा में। पहले नाटक में मुझे राजा का रोल निभाना था, जिसमें मुझे राजसी वस्त्र पहनने थे, राजगद्दी पर बैठना था और अपने मातहत सिपाहियों पर हुक्म जताना था। और दूसरे नाटक में मुझे तातिये का रोल दिया गया था, तातिया यानी जमींदार का नौकर, जिसमें मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने थे और एक कोने में दुबककर खड़ा रहना था। नियत दिन, जिस दिन एनुअल डे था, मेरे टीचर ने मुझे राजा की पोशाक पहनाई, गहना पहनाया, मुकुट पहनाया और ले जाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। और जो ही पर्दा ऊपर उठा,
मुझे जो सामने सिपाही बैठे थे उन्हें हुक्म देना था। मैं उन पर जोर से चिल्लाया, जो डायलॉग मुझे कहा गया था मैंने उन पर दोहरा दिया, और मैंने अपना रोल इतना सही तरीके से निभाया कि पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। पर्दा गिरा, मैं हटा। अब दूसरा रोल मेरा था तातिए का। झट मेरे टीचर ने मेरे वस्त्र वाजसी वस्त्र उतारे और मुझे फटे पुराने कपड़े पहनाए गए और स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया, सामने गद्दी पर जमींदार, उसके सामने झुका हुआ मैं। और जो ही स्टेज का पर्दा उठा, जमींदार जोर से चिल्लाया, तातिया हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। दादा कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आया कि 5 मिनट पहले मैं राजा था और तुम मेरी सेना के अदने से सिपाही, तुम मुझे कैसे हुक्म दे सकते हो पानी लाने के लिए? पर मैं कुछ एक्शन लेता उसके पहले मुझे याद आ गया कि मैं ड्रामा में काम कर रहा हूं और जैसा मुझसे कहा जा रहा है मुझे वैसा करना है, क्योंकि इस ड्रामा को मुझे सफल करना है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना है। मैंने जैसे मुझसे कहा गया वैसा किया। दादा कहते हैं कि आप सबको भी अपना अपना रोल सही तरीके से निभाना होगा, ये आपकी जरूरत भी है, ये आपके लिए जरूरी भी है। हम डिस्टर्ब कब हो जाते हैं? दादा कहते हैं कि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं, समझो हम किसी से जुड़े और उसने हमें अपने से अलग कर दिया, हम दुखी हो गए। दादा कहते हैं कि जो अटैचमेंट हमें दुख देता है, निराशा देता है, उस अटैचमेंट से हमें ऊपर उठना होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम कुछ विशेष कार्य करने के लिए आए हैं। दादा तो साफ लिखते हैं कि आपका जन्म हुआ उसके पहले अरबों लोग इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे, फिर भी ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें वो अरबों लोग नहीं कर सकते हैं वो आपसे वो चीज़ें करवाना चाहता है। और ज़िंदगी भी हमें कई बार ऐसे अनुभव करवाती है ताकि हम धीरे धीरे डिटैच होते चले जाएं। क्यों? क्योंकि जिस मकसद से हम इस पृथ्वी पर आए हैं वो मकसद हम पूरा कर सकें। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें अपना रोल सही तरीके से निभाना है। दूसरा केस कहते हैं दादा जेपी वासवानी कि आप कब अपसेट होते हैं? आपका काम करने का एक सर्टन तरीका है या वस्तुओं को रखने की एक पर्टिकुलर जगह है, आप उसी तरीके से काम करना पसंद करते हैं या वस्तुओं को उसी जगह पर रखना पसंद करते हैं। पर परिवार का दूसरा सदस्य यानी बहुएं भी इंक्लूड है इसमें, आते हैं उठाते हैं सामान किसी और जगह रख देते हैं, या जितनी कदर हम उस सामान की करते हैं वो बहुएं नहीं करती हैं। हम डिस्टर्ब यहाँ का सामान वहाँ रख दिया, या इस तरीके से मैं काम करती हूँ उस तरीके से ना करके किसी और तरीके से किया गया, हम निराश डिस्टर्ब। तीसरा केस बताते हैं दादा जेपी वासवानी कि आप कोई प्लान करते हैं और आपका प्लान अपसेट हो जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लान करते हैं मतलब आपने सोचा कि आज शाम को मुझे किट्टी पार्टी में जाना है, आपने परिवार के सदस्यों को बता दिया कि 4 बजे मुझे किट्टी पार्टी में जाना है, 4 बजे आप डिज़ाइनर साड़ी
ब्रांडेड पर्स सैंडल पहना, मेकअप किया, चार बार देखा दर्पण में, ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है, और घर से बाहर आपने कदम रखा। इतने में बहू दौड़ते दौड़ते आई, अरे मम्मी जी कहाँ जा रहे हो? मुझे विंडो शॉपिंग करने जाना है, आपको घर में रुकना होगा, बच्चों के आने का समय हो गया है, उनको बना के भी खिलाना है। आप अपसेट कि सुबह से मैं चार बार बोल चुकी थी मुझे 4 बजे निकलना है, और अभी घंटे भर से मैं तैयार हो रही हूँ, वो देख रही है, तब भी तो बोल सकती थी। पर जो एक कदम रखा, बाकी कहा बुरी तरह डिस्टर्ब। या आपने किसी दिन कह दिया कि आज मेरा पास्ता और पिज्जा या समोसा कचौरी खाने का मन है, और सामने टेबल पर बॉइल्ड वेजिटेबल कि मम्मी मैं डाइट कर रही हूं तो मैं ये खाऊंगी, आपको भी ये खाना होगा। तत्क्षण डिस्टर्ब कि कभी तो मैं बोलती नहीं हूं कि मुझे ये खाना है, जो मिलता है चुपचाप खा लेती हूं, पर यदि आज मैंने पहली बार कहा है 4 बार कि मेरा मन कर रहा है ये खाने का, और ये चीज सामने, डिस्टर्ब, मन की शांति गायब। अब इसी बात को दादा जे पी वासवानी ने जो रीजन बताए हैं अपसेट होने के, उसका क्या असर आपके शरीर पर होता है, हमें जरा सा विस्तार से जानना है, समझना है। आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? पीछे वालों को, सबको? यस। ये हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी है ना। पहला केस दादा जेपी वासवानी ने क्या कहा डिस्टर्ब होने का, कि हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाल पेन, आप डिस्टर्ब हो गए। दूसरा केस बताया दादा जेपी वासवानी ने कि आपका काम करने का एक सर्टन तरीका है, या वस्तुओं को एक जगह रखने का सर्टन तरीका है, पर परिवार के दूसरे सदस्य यानी बहू है, जो भी मेंबर्स हैं, वो उठाकर कहीं और सामान को रख देते हैं, और ऐसे में आप अगेन डिस्टर्ब। तीसरा केस कि आपने प्लान किया कि मुझे किट्टी पार्टी में जाना है या समोसा कचौरी खाना है, उसके बदले आपके पास पहुँचा बॉइल्ड वेजिटेबल। आप उस नाश्ते को देखकर, बॉइल्ड वेजिटेबल को देखकर डिस्टर्ब। और ऐसा नहीं है कि आप उस क्षण डिस्टर्ब हुए फिर नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल होने में कितना समय लग जाता है? आपको गर्दन हिला के जवाब देना होगा, पता चले ना कि आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को। हाँ, घंटा भर तो बहुत कम बोला है आपने। हाँ, बहुत कम बोला है। हाँ, देखिए, इधर देखिए आप लोग, जब आप आपस में कृपया कर बद्ध प्रार्थना बातें ना करें, जब आप डिस्टर्ब होते हैं, जरा ध्यान से देखना है आपको क्या अवस्था आपकी होती है। यहां पर डिस्टर्ब हुए, इनकी तरंगे आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है, जिसे केमिकल सिक्रेशन कहते हैं मेडिकल भाषा में, और साइंस आजकल इसे कहता है कि एसिड है ये, इतना शरीर को आपके नुकसान पहुंचाता है जितना एसिड पहुंचाता है, जिस बर्तन में होता है उसी को काट लेता है। ये तरंगे जाती है नीचे, आपकी आंखों के संपर्क में आती है, आपको ऐसी अवस्था में आपको आंखों में जलन, आंखों में भारीपन महसूस होता है। Am I right? है ना। ये तरंगे नीचे उतरी, ये क्योंकि ये जो आपके भीतर डिस्टर्बनेस है, अपसेट है, अशांति है, ये बहुत समय तक रहता है। ये जो भाव है, जो इमोशन है, ये आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे, और सबसे पहले आपके चेहरे की चमक गायब होती है। सबसे पहले जब ये चलता है अपसेट, सामने वाला सहज ही पूछ लेता है, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? है ना, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है क्या, ये सोफिस्टिकेटेड वे है पूछने का। ऐसे नहीं पूछ सकते ना भीतर क्या हो रहा है,
सहजी पूछ लेते हैं भाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपका चेहरा बता देता है। दूसरा, ऐसे में आपकी कितनी भी मनपसंद चीजें आपको खाने के लिए दी जाए, स्वाद आता है क्या? नहीं आता। कि जो स्वाद ग्रंथियां हैं उस पर ये तरंगे चली जाती है, वाइब्रेशन जाती हैं, वो टेस्ट बर्ड जो है अपना काम कर ही नहीं पाते, आपको स्वाद नहीं आता खाने में। ये केमिकल, ये तरंगे नीचे उतरी गले में, गला रूंधता हुआ महसूस होता है। आप बोलते हैं गाशिया नीचे नहीं उतर रहा है, उतरेगा ही नहीं, कैसे खाऊंगी, उतर ही नहीं रहा है। हम मारवाड़ी में बोलते डुच्चा लग रहा है ना, उतरता नहीं, क्योंकि तरंगे अपना स्थान लगा लेती यहां पर, ये धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलती है। सांस लेने में दिक्कत, एसिडिटी, गैस, शुगर, बीपी, अस्थमा, सब चीजों के पूरे शरीर पर असर, आपका पूरा शरीर अस्वस्थ, ये दुखता है, वो दुखता है, वो दुखता है, वो दुखता है, am I right? है ना? किसने बोला एक्चुअली उसको लिफाफा? हाँ, हम पहले अनाउंसमेंट करना भूल गए। हम लोग जो एक्टिवली सुनता है हमारे टॉक को, उसको लिफाफा मिलेगा। देखिए जरा सा, देखिए अब अंदर रुपये कितने मत बोलिएगा, वो सीक्रेट है हमारा, कैश प्राइस है, कैश प्राइस। हाँ, शरीर में क्या आपके भीतर वो फुर्ती, वो स्टेमिना रहता है क्या? ये मन की शांति साधारण चीज नहीं है। ये गीतिका जी भी बहुत स्मार्ट है, बहुत सोच समझ के बुलाया हमको। हाँ, तो ये जब शरीर में गया, आपकी फुर्ती गायब, आपका स्टेमिना गायब, आपकी याददाश्त पर असर, आपको सामने रखी वस्तु दिखाई नहीं देती। यहां रखी सामने, आपने रखी पर आपको दिखाई देती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम साइलेंट, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। आप लोग ऐसे में कहते हैं कि उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हो रही है, जिस तरह नारायण शास्त्र कहता है, ये सब चीजें नारायण शास्त्र की पहुंच रही है आपके पास में। जिस तरह उम्र के साथ हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, राइट, उसी तरह हमारी याददाश्त भी बढ़ती है, पर बीच बीच में ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, इसके असर रुक जाती है। आपकी याददाश्त इतनी स्ट्रांग है कि आपको 30 साल पहले भी कोई घटना घटी, कहीं आप हर्ट हुए हैं, वो सीन आपको एज इट इज याद है। सासू ने ऐसा बोला था, इन्होंने ऐसा बोला था, ये कपड़े पहन रखे थे, ये शब्द थे, आइडेंटिकल। 30 सेकंड पहले की बात याद नहीं है, पर 30 इयर्स पहले की बात याद है। तो मेमोरी कितनी स्ट्रांग है फिर तो, कैसे बोल सकते हो आप लोग, है ना? ये तरंगों का असर, आपका स्टेमिना, आपकी फुर्ती, आपकी याददाश्त, प्रेजेंस ऑफ माइंड सबको ढक लेती है। और विशेष खास चीजें सुनने लायक अभी आएगी आपके, कि तरंगे करती क्या है। ये तरंगे शरीर के भीतर तो जाती है, तो साइंस डिक्लेयर कर चुका है ना, कोई मैं डॉक्टर होगा तो समझ जाएगा, कोई मेडिकल फील्ड से होगा तो साइंस की फील्ड से। पर ये तरंगे शरीर के बाहर भी निकलती है, अदृश्य है, ये दिखती नहीं है पर निकलती है। जो व्यक्ति और जिन वस्तुओं को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जिन व्यक्तियों को और जिन वस्तुओं को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वे व्यक्ति और वे वस्तुएं भी आपके जीवन में आना चाहती है, अदरवाइज आपके मन में नहीं आएगा। हमको वेस्टर्न ड्रेस का कभी याद ही नहीं आता है कि वो नहीं आना चाहती हमारे पास में, है ना? तो जो चीजें हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आए, ये वस्तु मेरे जीवन में आए, यदि थॉट आया है, मतलब वो व्यक्ति और वो वस्तु भी आपके पास आना चाहते हैं। ये निश्चित है, प्रकृति का नियम है ये, अदरवाइज थॉट नहीं आएगा आपको।
विचार ही नहीं आएगा आपके भीतर। तो जब आपके साथ ऐसा होता है, ये जो तरंगे निकलती है आपके शरीर से, ये दो मुहा तीर है। ये जो तरंगे ये आपके शरीर में जाकर आपको खोखला करती है, और बाहर निकल के जो वस्तु और व्यक्ति आप चाहते हैं, इधर नो एंट्री का बोर्ड लगा देती है। अक्सर हम कहते हैं परिवार के सदस्यों के लिए कि अरे मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी क्यों अपसेट है वो, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। आपकी तरंगें उन्हें आपके नजदीक आने नहीं देती। मन की शांति की इतनी अधिक प्राथमिकता है कि आप कहीं भी देखिए, पेशेंट से मेडिटेशन करवाया जाता है, हीलिंग हो। जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, वो किसी न किसी कोर्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेस होता है जितनी ऊंची पोस्ट पर होते हैं, कि कोप अप करना है तो मन की शांति चाहिए है। क्यों चाहिए? ये चीजें देखिए, कितनी चीजों पर असर होता है आपका जब अपसेट होते, निराश होते हैं आप। झुर्रियां बहुत जल्दी आती है, डार्क सर्कल, फिर आपका फेशियल भी कार्य नहीं करता। सतत ये तरंगे जाती है ना, आई साइट वीक, दांत कमजोर, बालों का झड़ना गिरना, ये सब चीजें हम रिसर्च के बाद ही आप तक पहुंचा रहे हैं, अन्यथा थोड़ी ना बोल सकते हैं स्टेज पर से ये चीजें। इतना समझा क्या है ना? अब ये चीजें चाहिए क्या आपको? और ध्यान रहे एक विशेष पॉइंट जो बाकी पुस्तकों में आपको नहीं मिलने वाला, कि जब आप अपसेट और निराशा डिस्टर्ब रहते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तन तो अस्वस्थ होता है, क्योंकि जाहिर है हम फुर्ती नहीं है, स्टेमिना नहीं, कुछ भी काम करने का मन नहीं है। तन और आपका धन दोनों साथ में, दोनों पर साथ में असर होता है। तन भी अस्वस्थ होता है और धन आपके पास से दूर जाने को देखता है। ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि तरंगे जो बॉडी से निकलती है, ये सबसे पहले धन को आपके पास आने से रोकती है। ऐसी अवस्था में धन आपके पास आ ही नहीं सकता, और यदि कोई किसी के आशीर्वाद से यदि आ गया लिफाफा, तो वो धन आपके पास टिक नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था चाहिए है क्या? है ना, क्या करना होगा देखिए जरा सा। यहाँ पर भी लोग शेयर शायद नहीं करना चाहेंगे, पर जो लोग अक्सर अपसेट रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, निराश रहते हैं, उनके पास पैसे की छूट है क्या? बता दीजिए। नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम शेयर तो नहीं करेंगे, एक दूसरे को पहचानते तो बोल नहीं सकते हैं कि पोल खुल जाएगी, पर सच्चाई है ये। हाँ, पर वो अवस्था नहीं चाहिए, ग्रीन पेन दे दो। तो क्या करना होगा हमको? पहला, दादाजी जेपी वासवानी कहते हैं कि हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं, हम अटैच हो जाते हैं, दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, हम निराश अपसेट। इस क्षण से आपको क्या करना है? आज तक हमने सोचा है कि उससे क्या लूं, इससे क्या लूं, इससे क्या लूं, ये मुझे प्रेम करे, ये मुझे रिस्पेक्ट करे, ये मुझे अप्रिशिएट करे। अब ये देखना है कि जो इस क्षण मेरे साथ में है, उसको मैं क्या दे सकती हूं, मैं क्या दे सकती हूं। ठीक है, मेरे पास कैश नहीं है काइंड नहीं देने के लिए, है ना, दो शब्द तो कह सकते हैं, अरे कितने सुंदर लग रहे हो, है ना। ये भी नहीं होता हमसे तो नारायण ब्लेस हर, ब्लेस हर, ब्लेस हर, ब्लेस हर,
कुछ नहीं होता आपसे, नहीं दे पाते, ना कैश दे पा रहे, ना काइंड दे पा रहे, ना अच्छे शब्द अप्रिशिएशन भरे शब्द नहीं बोल पा रहे, मन ही मन नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, सुख शांति समृद्धि से भरा इनका जीवन हो, हर कदम पर उन्नति करे, प्रगति पाए, सफल हो, बारंबार बारंबार बारंबार। और देखिए क्या मिरेकल होगा आपके जीवन में विद इन 7 days। आज थर्सडे है, अगले थर्सडे देख लीजिए, और बाद में धन्यवाद का फोन गीतिका जी के जरूर से कर देना, शी डिजर्व। पर यदि आप साधना करते हैं तो मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, बजाय इनसे मुझे क्या मिले, मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो हम कर सकते हैं, नारायण ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ जीवन हो इनका, दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करें। जो जो अच्छी चीज़ें आप बोल सकते हैं बारंबार बोलिए, क्योंकि आप उनके लिए बोलते हैं और ऊपर वाला फिर आपको बोलता, आपके लिए बोलता है। आप कहेंगे ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, वो कहेगा ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। शास्त्रों की बातें पहुंचा रहे हैं आप तक, शास्त्रों की। हमने नारायण शास्त्र का नाम लिया है, नारायण शास्त्र आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं है। सारे जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, श्रीमद् भगवद् गीता है, इनका सारों का निचोड़ है नारायण शास्त्र, सबका निचोड़ है। और बेहद सीधी सरल भाषा में सुनते सुनते भीतर जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा, कितना आसान है। और इतना अच्छे से जाएगा कि आपको घर जाकर चिंतन नहीं करेगा, पर सेट हो जाएगा एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद ऐसी अवस्था हो जाएगी कि चैलेंज करोगे आप लोगों को कि मेरे मन की शांति जरा छीन के तो देख। जब तक आप सामने वाले को परमिशन नहीं देते, nobody can touch you, ये निश्चित है। न तो विचारों से, न वाणी से कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता जब तक आप परमिशन ना दें। अब पहला केस बताया आपको, बजाय उनसे मुझे क्या करना है आपको, सिर्फ इतना ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम। बहू ने आपके से आके कहा, आपका प्लान जो भी था, ब्लेस देम, कहीं हर्ट हुए आप, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ये ऐसा क्यों करती है, मेरे साथ ही कर ना, नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, आपको देख के दरवाजा बंद किया, नारायण ब्लेस देम। आप बैठे हैं, आपके सामने फैन बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया, नारायण ब्लेस देम। जस्ट सी द मिरेकल। मेरे भी दो बहुएं हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं इसके बहुएं आएंगी तो मालूम पड़ेगा, मेरे भी दो दो हैं, पर बहुत अच्छी है। हाँ, तो जब आप निरंतर, ये मंत्र है नारायण शास्त्र का मंत्र है नारायण ब्लेस देम, जब ऐसा उच्चारण करेंगे, यहां पर आपके मन में शांति, डिस्टर्ब कहां से होंगे आप। दूसरा केस था कि सामान आपका तरीका है रखने का, बहुत सिस्टमेटिक है, आपने इधर रखा, किसी परिवार के सदस्य ने बहुना के इधर से तो रख दिया, आप डिस्टर्ब। उस क्षण आपको एक ही सोचना है कि मैं अपना रोल अदा कर रही हूं, और वो अपना रोल अदा कर रहा है जो भी कर रहा है ना, और हम दोनों को अपना अपना रोल अदा करने के लिए उसने चुना है, किसने, ईश्वर ने, नारायण ने, तो डिस्टर्ब होने का प्रश्न ही नहीं ना, है क्या, नहीं। हाँ, तीसरा केस, आपका प्लानिंग था किटी पार्टी में जाने का, आपने कदम बाहर रखा मटकते हुए, और भागी भागी बहू आई, अरे मम्मी कहाँ जा रहे हो, बच्चों को कौन संभालेगा, मुझे विंडो शॉपिंग के लिए जाना है। इमीडिएट समझ जाने का कि मेरा प्लान था, ध्यान से इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, अभी सीक्रेट दे रहे हैं आपको, सासुरों का सीक्रेट कहते हैं ना, और बेहद सीधी सरल भाषा में, कदम बाहर आपका वो आती हुई बोली कि आपको बच्चों को संभालना है, इट्स ओके, मेरा प्लान था किट्टी पार्टी में जाने का, मेरा प्लान अपसेट हो गया, इसका अर्थ है कि ईश्वर का प्लान शुरू हो गया।
सिर्फ दो ही व्यक्तियों की चलती है इस दुनिया में, क्या तो मेरी या उसकी, बस तीसरा को, तीसरे तो सब माध्यम है। इज इट क्लियर? दो ही व्यक्तियों की चलती, या तो मेरी चलती है या उसकी चलती है। अब मेरा प्लान यदि अपसेट हुआ है, अब किसका प्लान शुरू हो गया? उसका। और जब उसका प्लान शुरू हुआ तो निश्चित है ना वो मेरे फेवर में ही होगा, दैट इज गुड फॉर मी, क्योंकि मेरी सोच सीमित है, मैं अपनी भलाई इतनी दूर तक ही देख सकती हूं, और वो कहां तक देख सकता है? इमीजिएट, यस, हम समझ गए नारायण, तेरी मर्जी चल शुरू हो गई है, इट्स ओके। इमीजिएट जिसके साथ जाना उसको फोन कर दीजिए, कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं आ सकती हूँ, कपड़ा बदला, क्योंकि डिजाइनर साड़ी काम तो कर नहीं सकते, कपड़ा बदला, सामान रखा, हम अभी बच्चों के साथ समय बिताना है, इनको मैं बेस्ट क्या दे सकती हूँ, इनका फेवरेट क्या बना सकती हूँ, क्योंकि अभी प्लान किसका चल रहा है? उसका चल रहा है, तो मुझे उसके प्लान पर सही साबित होना है। इमीजिएट मुस्कुराते हुए तुरंत, शायद किट्टी पार्टी में जाके पता नहीं क्या होता मेरे साथ, तो भगवान ने मुझे पहले ही रोक लिया कि यहाँ घर में बैठ के खुशी मनाओ। और यदि आपने चाहा पास्ता पिज्जा खाना, सामने बॉइल्ड फूड आ गया, नारायण तेरा धन्यवाद है, क्योंकि इस क्षण की मुझे नहीं पता क्या रिक्वायरमेंट थी, मैं समझ रही थी पास्ता पिज्जा खाना है, पर इस क्षण की रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी के हिसाब से ये है, और तू इसे बेहतर तरीके से जानता है, तेरा धन्यवाद है। उसे प्रेम से प्रसाद समझकर खाना है, और देखिए ना विद इन 2-3 डेज आपके सामने ट्रे आ जाएगा पिज्जा का, पास्ता का, डेफिनेट है, डेफिनेट है, आजमा के देख लीजिए। और जब ऐसे में आपके मन की शांति इंटैक्ट रहेगी, एग्री क्या? अब इसके बेनिफिट देखिए जरा ध्यान से, अब इसके लाभ देखने हैं, चर्चा हम लास्ट में 10 मिनट देंगे प्रश्न उत्तर के लिए आपको। जब यहां मन की शांति है, यहां की तो तरंगे उतरती है, चेहरे पर चमक, लोग कहते हैं क्या बात है, फेशियल करा के आई हो क्या, कौन सा करा है, शहनाज का, गोल्डन, डायमंड, आचर कितनी तरह के चलते हैं, चेहरे पर स्वाभाविक चमक दिखेगी आपको जिनका मन शांत रहता है, चेहरा देख के मालूम पड़ता है ये केमिकल आपके बॉडी में गया, इन तरंगों में इतनी अधिक शक्ति है, जब आपके भीतर फीलिंग गुड का भाव होता है, समझ रहे हैं आप, जिस क्षण आपको लग रहा भीतर से अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड, और उस वक्त जो वाइब्रेशंस चलते हैं, जो तरंगे चलती है, ये तरंगे इतनी अधिक पावरफुल है कि जिन रोगों को डिक्लेयर कर दिया गया कि असाध्य रोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं है पृथ्वी पर, उन्हें ये ठीक करती, हील करती है। आप देखिए जो असाध्य रोगी होते हैं उनसे बारंबार मेडिटेशन करवाया जाता है, ध्यान करो, ध्यान करो, क्यों? ताकि ये तरंगे जनरेट हो और नेचुरल तरीके से हीलिंग हो। बात भीतर जा रही है क्या? और जब आप फीलिंग गुड के भाव में होते, कितनी फुर्ती होती आपके भीतर, कितना स्टैमिना होता है, एक काम पूरा हुआ, दूसरा काम करना है, तीसरा काम करना है, चौथा काम करना है, कितनी बॉडी में फुर्ती है। और मेमोरी कितनी शार्प हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, सब याद रहता है आपको, कितने पुराने गीत गवा लो, दोहा गवा लो, कुछ भी गवा लो, आता है तो फटाफट भीतर से निकलता है। और इन तरंगों में कितनी शक्ति है आपको बता दे कि जो व्यक्ति और वस्तुएं आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं कि ये लोग मेरे संपर्क में आए, ये वस्तु मुझे चाहिए है,
ये व्यक्ति और वस्तुओं के पैर लग जाते हैं, ये स्वतः चलकर आना शुरू हो जाती है। अब तक हम इनके पीछे जा रहे थे, पर जब ये फील गुड का भाव चलता है, इनके कदमों में पहिए लगते हैं, ये खुद दौड़कर हमारे पास आते हैं। वेरी ट्रू, बोल दिया। एक लिफाफा पहले गया ना आपको, अभी बस लॉट ऑफ, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि पता है जितना जमा करेंगे उतना चैरिटी में देंगे, है ना। हाँ, समझा क्या ये चीजें आपको, कि इन शक्तियों में इत असाध्य रोग को ठीक करने की शक्ति है इसके भीतर। इतना समाचार हम तक था, क्योंकि ये रिसर्च हम कर चुके थे, पर अब पीछे हम एकांतवास में थे, सोनाली के बंगले में, सोनाली मेरे साथ इसके बंगले में रुके हुए थे एकांतवास में, लोनावाला में। हमारे जो बगल वाला जो बंगला था उसमें 6 साध्वी, जो साध्वी जी, वो लोग आए हुए थे, और 3 दिन उनके सानिध्य में रहने मिला। हम रात को 11-11 बजे तक उनसे बातें करते थे कि इसी बारे में, इन चीज़ों के बारे में। और शी वॉज 70 ईयर ओल्ड लेडी, और 17 ईयर की थी जब उन्होंने दीक्षा ली थी, आज 70 साल की हैं। जब हम इन तरंगों के बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे कि ये हम ऐसा मानते हैं कि भाई तरंगें हील करती है बॉडी को, और ये देखा भी है, तो उनका ये कहना था कि न सिर्फ ये हील करती है, ये तो 100% हील करती है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि बॉडी में सर्टन पार्ट नहीं है, ये तरंगों में इतनी शक्ति है कि उस पार्ट को प्रोड्यूस कर देवे। साध्वी जी का ये कहना था कि सर्टन, एक उनका कोई विद्यार्थी था, उसके वॉल्व नहीं था बॉडी में, तब ये उससे साधना कराई गई, वो वॉल्व उग कर आ गया, ये उनका कहना था। ये रिसर्च हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है, पर यदि उन्होंने कहा तो बात सत्य है। इतने स्ट्रांग तरंगे हैं ये, और जब आप इस भाव में रहते हैं, ये आपका घर, ध्यान रखिए। यदि आप पहले वाले भाव में, मन आपका अशांत है, वो अवस्था क्या होती है देखिए, जरा सा रेड पेन दे जरा। पहले मन अशांत वाली बातें कर रहे हैं, फिर आप टर्न होंगे, तब क्या असर होगा देखिए। अब जब आपका मन अशांत है, आपके शरीर से निरंतर निरंतर ये तरंगे निकल रही है, और इससे पूरा घर भरता जा रहा है। आपको पता नहीं तो कह रही, आप तो इधर से डिस्टर्ब है, दुखी है, पर वो तरंगे बॉडी से निकलती रहती है और पूरा घर भर जाता है। ऐसी अवस्था में, जिनके घर में ऐसी अवस्था है, उनके घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती। बरकत शब्द मालूम है क्या? आप देख लीजिए, बिल्कुल बरकत नहीं होती। धन बहुत आता होगा पर दिखता नहीं है। और एक व्यक्ति, आपके एक की वजह से बाकी लोगों के ऊपर भी इन तरंगों का असर होता है, वे भी अपसेट और निराश। पूरा घर डावाडोल, ना बच्चे अच्छे नंबर ला पाते हैं, ना बच्चे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाते हैं, न घर में सुख शांति समृद्धि, न जीवन में उन्नति प्रगति सफलता। और ये रब कर दो जरा सा ये, हाँ चलेगा बेटा। ये घर, और जब आपके पास मन की शांति है, आपसे कहा, बताया उपाय आपको करने का, पहला नारायण ब्लेस थे, सेकेंड वाला वो अपना पार्ट कर रहा है, हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, तीसरा यदि मेरा प्लान अपसेट हुआ, इसका मतलब किसका प्लान चल रहा है अभी? नारायण का ही। मैं सोची बहू का चल रहा है या उसका चल रहा है, हाँ दोराने का चल रहा है, सासू का चल रहा है ना, उसका चल रहा है, माध्यम वो है। जब आपने स्वीकार कर लिया, ये तरंगें चलती हैं घर में, पेन दूसरे, और जब ये तरंगे घर में चलती हैं आपकी बॉडी से निकल कर, आप देखिए चीजों की इतनी बरकत, इतनी बरकत, इतनी बरकत। और निराशा है, अशांति है, तो घर में महाभारत का वातावरण,
और नित नए खर्चे, आज इसका देना है, आज इसका देना है। धन आपके बाहर आपके पास से जाने को रास्ता खोजता है। और जब ऐसी तरंगें चल रही है, धन बहाने ढूंढता है आपके पास आने के। तो ये अवस्था हमारी बनी रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा, है ना? वो उपाय बता रहे हैं आपको। हमने बचपन से सुना है अपना हाथ जगन्नाथ। कौन सा हाथ जगन्नाथ है आपका? जो लेफ्ट हैंड है उसमें जगन्नाथ जी की ऊर्जा प्रवाहित होती है। कई लोग तो मेरे साथ पुराने साथी हैं जिनको पता है, पर नए लोगों के लिए बता देने जरा सा कि इस हाथ में नारायण की ऊर्जा एनर्जी प्रवाहित होती है। पर ये होती सुप्त अवस्था में है, शांत है, साइलेंट है। इसको हमें जागृत करना पड़ता है। क्या बोलकर? इसको ऐसा पकड़िए जरा सा, ये फेसिंग ऐसा होना चाहिए या रिस्ट से पकड़ लीजिए और हम जैसा कहेंगे आप साथ साथ में रिपीट करते जाइए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हाँ, रुक जाइए अभी। आपने ये कहा कि हे नारायण आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। तो इतना कहते से इसमें निहित ऊर्जा जागृत हो जाती है। इज इट क्लियर? पर अभी हमने जितने बजे भी कहा है ठीक 24 घंटे तक ये एक्टिवेट रहेगी, इसके बाद ये शांत हो जाएगी। यदि आपको वापस इसे जागृत करना है तो अगेन आपको रिपीट करना पड़ेगा, हे नारायण आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। एक बार आप बोलते हैं 24 घंटे के लिए वो ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। अब क्या करना है आगे ताकि मन की शांति बनी रहे और आप फॉर एवर यंग रहें, है ना? रात को सोते वक्त ये हाथ आपने जाना, नारायण का हाथ है, इसे अपने हार्ट चक्र पर रख लीजिए। पहले वो बोलना है नारायण आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। फिर यहाँ रखा, दूसरा हाथ ऊपर रखा, है ना? अब ये नारायण की ऊर्जा इसमें प्रवाहित हो रही है। इससे कहना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना रोल सही तरीके से निभा सकूं। मेरा रोल क्या क्या है? सासू का है, माँ का है, बेटी का है, ननद का है, मामी का है, बुआ का है, जो रोल भी मैं निभा रही हूँ इस क्षण, सहेली का, पड़ोसन का, वो अपना रोल मैं सही तरीके से निभा सकूँ, ये मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और धन्यवाद तुरंत बोल दीजिए आगे कि आपका धन्यवाद है, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। और जब कभी मैं डगमगा जाऊं मुझे याद दिला दीजिए कि मैं अपना रोल सही तरीके से, ताकि मैं अपना रोल सही तरीके से निभा सकूं। और मुझे अपने रोल में 100% देना है। जो भी रोल मैं निभा रही हूं, बेटी का है, ननद का है, सासू का है, मासी का है, बुआ का है, दादी का है, नानी का है, इसमें मैं अपना 100% दूं। और यदि गलती हो तो आप इशारा कर दीजिए कि मुझे, मैं ये रोल निभा रही हूँ, मुझे सही तरीके से निभाना है, ताकि ड्रामा भी सफल हो और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले। समझा क्या? और तब देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता जाता है। आजकल आप किसी भी पुस्तक को उठा के देखिए, कोई भी सत्संग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी जो कोर्सेस चलते हैं, सब के सब लोग मन की शांति पर फोकस करते हैं कि अल्टीमेटली अचीवमेंट क्या है। स्ट्रेस लेकर अचीव नहीं करना है हमको, प्राथमिकता हमारी क्या है? मन की शांति। क्यों? क्योंकि सीक्रेट है मन की शांति के साथ कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका तन, आपका धन, आपका घर, आपके बरकत, सब चीजें इस शांति के साथ, आपकी प्रोग्रेस। ये मत सोचिए कि हमारी उम्र इतनी हो चुकी है, 60 के, 65 के, 70 के, अब कुछ क्या बचा है। जापान में तो लोग जीना शुरू करते 70 साल की उम्र में,
सीढ़ियां चढ़ के जाते ऊपर सामान ले लेके, इतना समझा। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। यदि कोई आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ 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 इधर आ जाइए ना। हम तो आज भी कहते हैं, इस क्षण भी सुबह यदि आपने बीपी शुगर टेस्ट किया होगा, अभी यहाँ पर होगा हाई टी, धाप के खा लीजिए, जाकर चेक कीजिए, आप स्वस्थता की हो रहोगे, निश्चित है ये, क्योंकि भीतर चीजें गई है ना। हाँ जैसे आपने कहा साध्वी जी की जो बात आपने हाँ। कही कि वो तरंगे सिर्फ आपको अच्छा नहीं फील कराती, आपको क्योर भी करती है। हाँ 2012 में मैंने एक फुल बॉडी चेकअप किया था हाँ। और उसमें आया कि मेरा हिप, जो हिप बोन हाँ। है, उसकी बोन डेंसिटी डेंजर जोन में थी, मतलब ये चौकी जितनी है मैं उसके ऊपर चढ़ नहीं सकती थी बिना सपोर्ट हाँ। ये इशू हो रही थी एट एन एज वेयर इट्स नॉट जस्टिफाइड। हाँ तो मैंने कहीं ना कहीं आई थिंक और भी बहुत सारी इश्यूज थी, आई एम अ कैंसर सर्वाइवर आल्सो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये हुआ कि ये क्यों हो रही है, मतलब आप जब अपने आप को टटोलना शुरू करते हो कि ये क्यों हो रही है आपकी जिंदगी में, तो उसके रूट तक पहुंच के जो मुझे लगा कि मेरा जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो सही नहीं है, इसलिए ये तकलीफें हो रही हैं। वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं मैंने डिटैच होना शुरू किया, स्विच ऑफ होना शुरू किया, जो चीजें बॉदर कर रही थी उनसे हटना, दिमाग हटा के कहीं और लगाना शुरू किया। मैंने 2015 दिसंबर में मैंने टेस्ट फिर से कराया था, क्योंकि मेरे को कोई इशू ऐसे ही हो नहीं रही थी, बट एक चेकअप कराया एंड यू विल बी अमेज्ड, लेकिन दैट वो जो डेंजर जोन का जो वो परसेंटेज था दैट हैज चेंज्ड, इट हैज बिकम बेटर, बोन डेंसिटी जो कम थी वो बढ़ गई है और दोनों रिपोर्ट्स हैं फिजिकली। जस्सी सो आप में से कोई आकर शेयर कर रहा है। और ये जो पैसों वाली बात भी आपने कही वो एग्जैक्टली वही है, क्योंकि जब हम उलझे रहते हैं अपने तकलीफों में, हर चीज में इशू हो रही थी, एंड टुडे लाइफ इज रियली गुड, रियली गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी को पूछना है, अदरवाइज दो पंक्तियों के साथ आज के सत्र की पूर्णाहुति करते हैं। नारायण नारायण दीदी, हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दीदी ने जैसे बोला ना कि शब्दों का एसिड जैसा असर होता है अपने मन पर और हमारी तरंगे सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें एक्सपेरिमेंट करने को कहा था कि आप 2000 लेके एक्सपेरिमेंट करें, तो मेरे को दीदी की बात पे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी दूसरों को और समझाने के लिए या किसी को बताने के लिए मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके मैं देखती हूँ। मैंने 2000 लिए और दोनों जार में मैंने चावल डाला और पानी डाला, इक्वल जार, इक्वल राइस, इक्वल वाटर, एवरीथिंग सेम। एक जार पर मैंने लिखा आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। दूसरे जार पे लिखा यू आर बैड, आई किल यू, आई हेट यू। मैंने दोनों जार, मतलब लिटरली घर पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने दोनों जार रख दिए अलग अलग, एक मंदिर के पास रख दिया, एक अलग रख दिया। आफ्टर 7 डेज मैंने उन जार्स को चेक किया, देयर वॉज अ मेजर डिफरेंस। जिस जार पे आई लव यू लिखा था उस पर बहुत सुंदर बबल्स आ गए थे, आई कुड सी लाइफ इन दैट, पर जिस पे मैंने आई हेट यू लिखा था वो एकदम डेड था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा रुके हुए पानी पे इतना असर हो सकता है सिर्फ लिखे हुए शब्दों का। तो जैसे दीदी बोलते हैं कि वे अंदर तो आप चलते फिरते जो इमोशंस ला रहे हो उसका कितना गहरा असर हो सकता है। तो मैंने को लगा कि होना मैं आपसे शेयर करूं, और मुझे भी बहुत, मैंने कहा एक सीख है मेरे लिए कि सच में मुझे भी बहुत चेंजेस लाने हैं कि कैसे विचार वाणी व्यवहार से कितना परिवर्तन आते हैं। दीदी इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि ईश्वर अपने साथ है ना, ईश्वर अपने साथ है, यकीन की यह बात है, ईश्वर अपने साथ है, यकीन की यह बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, जब हाथ में उसके हाथ है, जब हाथ में उसके हाथ है, जब हाथ में उसके हाथ है। नारायण नारायण नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम लोग तो शब्द, कई लोग कहते हैं ना दिल की गहराइयों से धन्यवाद, हम कहते हैं कि रोम रोम से धन्यवाद, रोम रोम से धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।